नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। चाहे दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी व्यक्ति संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे UPSC न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर। बीते दिनों आप सभी को लगातार मेरे माध्यम से जानकारियां दी गई कि जल्दी आप सभी के सामने UPSC का जो नया परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। अब उसी को लेकर आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने आप सभी को पहले से जानकारी दी थी कि UPSC का जो नया परीक्षा कैलेंडर है 29 मई को भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में जानकारी 31 मई को भी निकली थी, तो मैंने आप सभी को दे दी थी कि UPSC के माध्यम से नया परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जा रहा है और कभी भी आप सभी के सामने जारी हो जाएगा। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से थोड़ा सा देर देखने के लिए मिल रहा था। कल की तारीख में भी आप सभी को जानकारी दी गई थी कि UPSC के माध्यम से नया परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जा रहा है और जल्दी आप सभी को आयोग की वेबसाइट पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें UPSC के नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में, तो सोशल मीडिया पर आप सभी को एक कैलेंडर देखने के लिए मिल रहा है जिसमें आप सभी को जानकारियां दी जा रही हैं तमाम भर्तियों की एग्ज़ाम डेट के बारे में। चाहे वो GIC की बात करें या PCS PG की बात करें या RO AR O या फिर इसके अलावा जो भी परीक्षा आप सभी के सामने होने वाली हैं उनकी तारीखों को लेकर आप सभी के सामने मैं दिखाऊंगा। लेकिन उसकी सत्यता की या फिर पुष्टि की जो गारंटी है वो ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से नहीं की जाती है। रीज़न क्या है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो सोशल मीडिया पर फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर इस प्रकार की आप सभी को जो पोस्ट हैं वो देखने के लिए मिल रही होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी सच्चाई कितनी है। UPSC की अगर हम बात करें, आपको बताया जा रहा है कि 24 अक्टूबर को इस परीक्षा का जो आयोजन है वो करवाया जाएगा। मुख्य परीक्षा जो होगी वो 28 जनवरी 2022 में देखने के लिए मिलेगी। समीक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में यह बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर 2021 को होगी और RO AR O मेन्स की अगर हम बात करें 10 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगी। GIC प्रवक्ता के बारे में यह बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर 2021 को करवाई जाएगी। तो ऐसे में ये जो परीक्षा कैलेंडर आप सभी को सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है इन तमाम भर्तियों के बारे में, ये पूरे तरीके से गलत है या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 1% की भी सच्चाई फिलहाल नहीं है। क्योंकि कई तारीखें ऐसी हैं जिस पर संडे नहीं पड़ रहा है, हो सकता है कि बिना संडे के परीक्षा करवा ली जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि आगे नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि दिसंबर के अंदर या फिर जनवरी के अंदर आचार संहिता भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो क्या उसके बीच में परीक्षाओं के आयोजन होंगे? ऐसे में इसके बारे में जो सोशल मीडिया पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, इन तारीखों पर आपकी परीक्षा का आयोजन होगा, इसके बारे में अभी तक पुष्टि लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की गई है। जानकारी लेने का वहाँ से प्रयास किया गया। उनका कहना है कि UPSC का न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, जल्दी तमाम भर्तियों की परीक्षा की तारीखों के बारे में आपको ऐलान देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जारी किसी भी प्रकार की कोई भी तारीख को लेकर अभी आधिकारिक ना समझा जाए। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर UPSC की तमाम भर्तियों के बारे में जो जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं लगातार वायरल हो रही हैं कि इसी के अनुसार आपको परीक्षाएँ देखने के लिए मिलेगी, वो पूरे तरीके से गलत है। हालांकि आयोग के माध्यम से पहले जानकारी दे दी गई है, मैंने आपको बता भी दिया था कि जल्दी आप सभी के सामने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आज देर शाम तक या कल तक आप सभी के सामने आ सकता है। क्योंकि यहां पे अध्यक्ष के माध्यम से पुरानी भर्तियों के साथ साथ जो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी उनको भी करवाना है। तो ऐसे में नए परीक्षा कैलेंडर को लेकर जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक सोशल मीडिया पर जो तारीखें देखने के लिए मिल रही है GIC को लेकर, PCS को लेकर या फिर RO AR O के बारे में, उसकी बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की जाती है ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से। बाकी जैसे ही परीक्षा कैलेंडर के बारे में और भी कोई अपडेट निकलेगी सबसे पहले आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि परीक्षा कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, आज देर शाम तक या कल तक आप सभी के सामने जारी भी कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऐसे में तमाम परीक्षाओं को लेकर आपका इंतजार भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 2 जून बेरोजगार के माध्यम से यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है काला दिवस। ट्विटर अभियान आप सभी को 11 बजे से देखने के लिए मिलेगा जो कि होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। जल्दी से जल्दी जारी करवाने की जो मांग है वो देखने के लिए मिलेगी। आज 2 जून को सभी प्रशिक्षुओं के माध्यम से सर पर काली पट्टी बांधकर हाथ में नई शिक्षक भर्ती का पोस्टर लेकर क्लिक करते हुए दिखाई देंगे और साथ में ट्वीट किया जाएगा। ट्वीट के साथ साथ हैशटैग भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि ब्लैक डे रिलीज UPPRT को लेकर होगा। छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में भी इसको लेकर अभियान चलाया गया था, आज फिर से आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी को इसके अंदर सम्मिलित होना है और लगातार अपने मुद्दे को ट्रेंड भी करवाना है जिससे कि सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचे। वहीं दूसरी तरफ बात करें
69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में। वैसे तो 69,000 की काउंसलिंग को लेकर या फिर थर्ड चयन सूची को लेकर या फिर 69,000 के बारे में अधिकारी या बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो नहीं होता है। सेम बेसिक शिक्षा मंत्री या महानिदेशक हों उनके ऊपर भी देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि दावे तो कर दिए जाते कि एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, दो हफ्ते में हो जाएगा। जब वो समय निकल जाता है तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो दो हफ्ते बताने वाले होते हैं उनसे पूछते हैं, सर आपने कहा था दो हफ्ते में हुआ नहीं। सेम ऐसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से 31 तारीख तक कहा गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। छात्रों ने फिर हमसे पूछा, हमने याद दिलाया कि ये भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कहा गया है। क्या कहे जनाब, काम है आप सभी को जानकारी देना, सटीक तो आप सभी को बताया जाता है, लेकिन जब देने वाले ही जानकारी झूठ बोल दें तो फिर उसका प्रभाव आप सभी जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सरकार कहती है कि एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, हम आपको बताते हैं एक हफ्ते में, सरकार कहती है उसको 10 हफ्तों में, तो ये जो चीज़ें आप सभी के सामने फ्लक्चुएट हो जाती हैं। सेम चीज़ आप सभी को अब देखने के लिए मिल रही है 69,000 की थर्ड चयन सूची के बारे में। काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से साथ में महानिदेशक के माध्यम से मैंने सुबह बताया था कि जानकारी दी गई कि जल्दी आपका जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा, और ऐसा आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर भी जानकारी निकली है। साथ ही इसके अलावा कई अधिकारियों से भी जानने का प्रयास किया गया कि आखिर जो जानकारी आज के समाचार पत्रों के अंदर है उसका सच्चाई क्या है। उससे पहले आप सभी यहाँ पे भी देख लो, जो मैंने आपको बता दिया है कि शिक्षकों के बचे हुए 5,000 पदों पर काउंसलिंग इसी माह शुरू हो जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो 5,000 पद खाली रहेगा उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हालांकि यहाँ पर 5,000 पद बार बार दिए जा रहे हैं, तमाम समाचार पत्रों के अंदर पदों की संख्या कहीं पर भी आधिकारिक तौर पर देखने के लिए नहीं मिली है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों के अंदर कोरोना कर्फ्यू से छूट मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया है। इसी के बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कहा गया है कि खाली पदों को भरने के लिए जल्द जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि इन रिक्त पदों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से NIC को जो सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए दिया गया था यह काम पूरा हो चुका है। जल्द ही आपको जो काउंसलिंग की तारीख को घोषित देखने के लिए मिलेंगी और इसी माह आपकी जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर इनके माध्यम से बताया जा रहा है। अब फिलहाल कब तक होगा, कब से शुरू होगा, इसको लेकर तो क्वेश्चन मार्क रहता ही है, लेकिन जो जानकारी आप सभी के सामने दे दी गई है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है, अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया कि आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि मंत्री जी के माध्यम से कहा गया कि जल्द आपको कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा, NIC को आप सभी को काम भी दे दिया गया सॉफ्टवेयर बनाने का जो कि पूरा हो चुका है। तो ऐसे में उनके माध्यम से कहा गया कि सीटों की संख्या के आधार पर जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सीटों की संख्या कब बताएंगे। ऐसे में जानने का प्रयास भी किया गया क्या इस बार भी एक हफ्ते की तरह 2 महीने लग जाएंगे या फिर इसी महीने जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल कहने की अधिकारी पूरे तरीके से मौन दिखाई दिए, लेकिन जो जानकारी आप सभी के सामने दी गई है उसको लेकर उनका कहना है कि काम जारी है। अब काम तो पिछले 6 महीनों से जारी है, कितना समय लगेगा ये तो अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन अधिकारियों के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि काम किया जा रहा है। ऐसे में जो भी सरकार के आदेश आए हैं या महानिदेशक के माध्यम से जानकारी मिली है उसको लेकर जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि उनके माध्यम से सीटों की संख्या के सवाल को लेकर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन डाटा फर्स्ट जेल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम